अस्सलाम वालेकुम। हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है अशराए मुबशरा। असल में हम नहीं फैसला करते, अल्लाह फैसला करता है कि अल्लाह अपने बंदे से क्या काम करा है। अल्लाह ताला ने ही दिल में डाला कि आपके लिए, आपके साथ बैठकर थोड़ा सा हम अशराए मुबशरा के ऊपर बात कर लें, इसलिए कि जाहिर बात है 9 दिन में आप कुरान का तो हक अदा नहीं कर सकते। तो हमने सिर्फ इसको, इन 9 दिनों को थोड़ा सा अपने लिए ईमान को बढ़ाने का जरिया बनाने के एंगल से फोकस में रखा, और हमने यही चाहा कि हम अल्लाह की से मदद मांग के कोई ऐसी चीज यहाँ डिस्कस कर लें जिससे इंशाल्लाह आपको और मुझे अपनी जिंदगी में कुछ अपना और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक जिंदा होता हुआ महसूस हो। आप और मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है किसी न किसी तरह से मोहब्बत का इजहार जो है वो कर सकें। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा ऐसे आते हैं, यूं तो अल्लाह के रसूल का हर सहाबी, जितने भी आपके सहाबी थे, सबके सब यूनिक पर्सनैलिटी रखते थे, सबके सब से आप और मैं कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और यह हकीकत है कि सिर्फ इन 10 पर बात करने से आप सहाबा की अहमियत का पूरा अंदाजा कर भी नहीं सकते। और ये भी हकीकत है कि मैं 9 दिनों के अंदर अशरा मुबशरा का हक अदा नहीं कर सकती, मैं सिर्फ सरफेस स्क्रैच करूंगी आपके सामने, बिल्कुल बेसिक बात आपके सामने रखूंगी। और उसमें मकसद ये होगा कि थोड़ा सा इन सहाबा के बारे में हम जान भी जाएं कि ये कौन है, और हमें अपने अमल से रिलेटेड कोई चीज इनकी जिंदगियों से मिल जाए जिसको हम इस रमजान से निकलने के बाद फौरन अपनी जिंदगी में शामिल कर सकें। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम उन 10 सहाबा को थोड़ा सा एक उनका सिनॉप्सिस देख लें कि आखिर ऐसा क्या काम उन्होंने जिंदगी में किया था कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उनको जन्नत की बशारत दुनिया के अंदर ही दे दी। आप इमेजिन करें ना, इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने मौजूद होते और अपना नाम तसव्वुर करें कि आपका नाम लेकर कहते कि सादिया तुम्हारे लिए मिसाल के तौर पर जन्नत की बशारत, तुम जन्नत में जाओगे, या आपसे आपका नाम लेकर कहते शाजिया तुम जो हो जन्नत में जाओगे, तो कितना बड़ा ऑनर है, कितनी बड़ी आपकी और मेरी जो है वो कामयाबी। जिंदगी हमारी तो जिंदगी ऐसी काम में लगती है, हम अपनी जिंदगी में सारी मेहनत करते हैं क्यों, हम सुबह उठकर सर्दी हो या गर्मी हो नमाज क्यों पढ़ते हैं, वजू क्यों करते हैं, नींद कितनी भी आ रही हो अपनी नींद को तोड़कर हम इफ्तारी के बावजूद और पेट भरे होने के बावजूद क्यों जाए नमाज पर खड़े हो जाते हैं, कितनी सख्त गर्मी हो कि प्यास लगती है और हलक कुछ हो जाता है उसके बावजूद हम रोजा क्यों रखते हैं, आप और मैं यहाँ आकर क्यों बैठे हैं, क्या हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता है सिवाय इसके कि हम अल्लाह का कलाम सुनते हैं और अल्लाह का कलाम सुनाते हैं। इसके अलावा हम अपने आप को देख लें तो हमारा आपस में और कोई दुनियावी रिश्ता नहीं है, दीन ने हमें जोड़कर रखा हुआ है, और हमारी सारी कोशिशें हैं किसके लिए, अल्टीमेटली मुझे जन्नत मिल जाए, अल्टीमेटली मुझे अल्लाह की रजा मिल जाए, अल्टीमेटली मैं उस जगह पे चली जाऊँ जिस जगह को अनलिमिटेड रखा गया है, और उसके बाद वहां पर जाकर कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो कभी पूरी नहीं होगी, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं होगी जिसपे मुझे रोक दिया जाएगा, कोई ऐसी दिल से तमन्ना नहीं निकलेगी कि जिसके बाद कहा जाएगा कि नहीं ये यहाँ पूरी नहीं हो सकती। दुनिया में तो होगा ये, लेकिन सारी स्ट्रगल दुनिया की उसी आखिरत के लिए तो है। और जिस इंसान से ये कह दिया जाए कि तुम्हारे लिए जन्नत की बिशारत है, उसके तो दुनिया में मजे ही मजे, उसके तो समझ लें कि सबसे बड़ी अचीवमेंट उसको मिल जाए। और किसकी जुबान से खुशखबरी मिले, किसकी जुबान से मिलेगी खुशखबरी, अशरा मुबशरा को खुशखबरी किसकी जुबान से दी गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये खुशखबरी दी गई। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा ऑनर है, और उनको उनकी जिंदगियों को अल्लाह ताला ने बेहतरीन जो नतीजा था वो दिखा दिया। अब इससे पहले कि हम अशरा मुबशरा पर बात करें, देखिये अशरा मुबशरा में 10 सहाबी आते हैं, अशरा 10, मुबशरा जिनको बशारत दी गई, 10 सहाबा जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में और उनकी जिंदगी में जन्नत की बशारत दे दी, नाम लेकर कह दिया मिसाल के तौर पर अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, ये तमाम लोग जन्नत में से होंगे यानी जन्नत में जाएंगे। तो थोड़ा सा इससे पहले कि हम अशरा मुबशरा पर जाएं और इनकी जिंदगियों को देखना शुरू करें, किसी भी चीज को समझने के लिए आपका जहन बनना जरूरी होता है। आप अपने बच्चे को जब स्कूल में एडमिशन कराती हैं तो आप अपने बच्चे को फीडर पिलाते हुए और सैलाइड खिलाते हुए और बस एकदम से घर से उठाकर जो है क्लास वन में डाल देती है, या कुछ स्टेप बाय स्टेप आप उसके साथ चेंजेस करती हैं, आप उसको मेंटली प्रिपेयर करती हैं। इससे पहले कि हम सहाबा की जिंदगियों पर डायरेक्ट चले जाएं,
देयर इज अ नीड कि हम अपने आप को भी मेंटली प्रिपेयर करें और इतना हमें मालूम हो कि सहाबी कौन होता है. अगर मैं आपसे पूछूं सहाबी कौन होता है, कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट किसको कहा जाता है, कौन बताएगा कौन होता है सहाबी? कोई बच्चा बताएगा? आंटी हमारा तो मूड नहीं कर रहा बच्चा. जो अल्लाह के रसूल से उनकी जिंदगी में मिले हों. जी आप बताइए, पीछे से आप बता रहे थे जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा हो. किसी भी इंसान को सहाबी या रसूल डिक्लेयर करने के लिए स्कॉलर्स ने तीन कंडीशंस बता दी. वो तीन कंडीशंस याद रखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन अल्लाह के रसूल के दौर में सहाबी था और कौन सहाबी नहीं था.